भारत एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद यहाँ का गौरवशाली इतिहास, सूरवीरों की कहानियां, आध्यात्म और पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन समय के साथ बदलाव जरूरी है। जितना महत्व इतिहास का है और उतना ही जरूरी विकास है। 21वीं सदी का नया भारत इसी आधार पर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जब जब इतिहास की बात आती है, हिंदुस्तान के उस शहर का जिक्र जरूर होता है जो इतिहास से भी पुराना है। जी हाँ, वाराणसी एक ऐसा शहर जिसकी सूरत 2014 के बाद लगातार बदल रही है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बता दें, शिव की नगरी काशी को करोड़ों की सौगात दी। तो आखिर इन 9 सालों में काशी में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे काशी में अब मोक्ष के साथ साथ विकास का भी अद्भुत संगम हो रहा है, और क्यों काशीवासी की सुबह विश्व प्रसिद्ध है। अनेक रचनाएं आपने सुबह बनारस पर सुनी होंगी, अनेक रचनाएं आपने देखी होंगी। सुबह बनारस के बारे में कहा जाता है कि अगर इसका जिक्र ना हो तो बनारस अधूरा है। जब सूर्य की पहली रोशनी माँ गंगा को स्पर्श करती है तो मानो माँ गंगा सोने के समान चमक उठती हैं। कुछ यही कोशिश है कि काशी इसी तरीके से चमके। लेकिन आखिरकार काशी कितनी ज्यादा बदली है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। यानी कि गंगा समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वो सब सुख देने और सब दुख हरने वाली है। वो गंगा जिसने सदियों को बदलते हुए देखा है, वो गंगा जिसने पीढ़ियों को बदलते हुए देखा है, आज काशी को बदलते हुए, आज काशी को संवरते हुए कैसे देख रही है। पूरे हिंदुस्तान से लोग काशी का रुख कर रहे हैं। काशी की आबो हवा में न्यू इंडिया की बहक है। घाटों पर विकास की तस्वीर दिखती है। साफ सफाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल रंग लाने लगी है। कुछ लोग हमारे साथ है, कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से आए हैं हम लोग। अब प्रतिम सब सोहरा देखा हमने, सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मिलेगा हमको देखने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इससे पहले आप आए थे बनारस? हाँ, मैं 2016 में आई। कितना बदलाव लगता है? बहुत ही सुंदर है, घाट बहुत साफ सुथरे, और जो मोदी जी ने काम किया है बहुत ही जबरदस्त है। हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतना सुंदर कॉरिडोर हमारे लिए, कि हमारे श्रद्धा स्थानों का हमें आदर किया गया, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, ये लोगों की भावना है और वो तो आपको उनके चेहरे से नजर आएगा कि वो कैसा महसूस करती है। जब आस्था इतनी प्रबल हो तो भक्त अपने आप खींचे आते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वो इस हिसाब के मिले। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप कहाँ से आए हैं? मैम, कलकत्ता से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मन सुहाना है, हर चीज इतना सुंदर लग रहा है, हम लोग कभी बिलीव नहीं कर पाए। एकदम दारुण। कोलकाता में भी गंगा मैया है, वहाँ भी आरती का शुरुआत हो रहा है, बट यहाँ से ही वो चीज जा रहा है। मगर यहाँ का जो आरती है, सुबह का आरती, ये दृश्य हमको लगता है कि कहीं नहीं है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। बहुत एकदम शानदार। पहले कभी आए थे बनारस? हाँ, मैं 2 बार आया हूँ। कितना अंतर लगता है आपको? बहुत सुंदर बना दिए हैं मंदिर इस बार बहुत। मैं 2018 में आया था, तब तो सब आसपास की बिल्डिंगें टूट रही थी। अब जो नजारा है, जो घाट का इन्होंने बनाया है, काफी बढ़िया बनाया है। बंगाली में क्या कहेंगे? दारुण।
तो देखिए लोग अलग, हाँ जी हम लोग ये भी कह सकते हैं फटाफटी फटाफटी। तो देखिए जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अलग अलग जगहों से पहुँचे, और अगर आप देखेंगे बनारस को तो इन सालों में टूरिज्म के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से बहुत सारे विकास हुए हैं, और यही कारण है कि जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर दूर से पहुँचते हैं, उनको यहाँ पर काफी सुख की अनुभूति होती है। आप कहाँ से आए? हम रांची झारखंड से हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम आए। अच्छा झारखंड भी बहुत खूबसूरत माना जाता है, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, इसके बारे में तो क्या बोले, मतलब वर्ड नहीं है बोलने के लिए। मतलब आज जो मैंने देखा है वो पूरी कायाकल्प हो गई है पूरे मंदिर। दोबारा आएंगे? बिल्कुल दोबारा, क्या मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, जो ऐसा लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। कितना विकास आपको लगता है, कितना चेंज हुआ है? क्योंकि आप तो पहली बार आए हैं, इससे पहले आप आते होंगे या फिर सोचते होंगे कि कहीं जाना है, यहाँ बनारस जाएंगे, तो कैसा लगता था? अब यहाँ पे तस्वीरें आप देखी होंगी, लेकिन अब बहुत सारा विकास हो गया, तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानो कि हम इसमें आ गए हैं, क्या जन्नत में आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के महासंकल्प से भोले की नगरी का 9 साल में अद्भुत कायाकल्प हुआ है। मान्यता और अध्यात्म के साथ साथ अब पर्यटकों के लिए यहाँ सुविधाओं का हर उपाय किया गया है। हालांकि जो लोग टीवी में या फिर अब तक सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में देखते थे, वो जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो सुख की अनुभूति करते हैं, और उनका ये कहना है कि साफ सफाई भी बहुत है। हालांकि ये भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर बीते सालों से अगर हम कंपेयर करें, हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, और वो बदलाव जो है इन घाटों पर नजर आता है। अच्छा इस वक्त हम 80 घाट पर ही मौजूद हैं। ये 80 घाट वही घाट है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की जनता ने जिताया था, अपना सांसद चुना था और देश का प्रतिनिधित्व दिया था। तो इसी घाट से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा उठाया और साफ सफाई का संदेश दिया, सौंदर्यकरण का संदेश दिया।